ऐसे कैसे इंसान होंगे बोलो, मैं जिम को आया, कार यहाँ पे पार्क करा, ये राइट। यो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम की तरफ से हसीना का कॉल आया मेरे को। मैं पिछले 3 महीने में इंस्टाग्राम पे कितना एक्टिव था, अब कितना हूँ, कंपेयर करके लोग इनसाइट्स मेरे को बताए। मैं पहले महीने में 10-12 पोस्ट करता था। वो लॉकडाउन में बहुत टाइम मिला तो मैं फोटोज लिया, वीडियोज बनाया, अपलोड करा। जुलाई, सितंबर, अगस्त से अनलॉक शुरू हो गया। अब घर पे तो फोटोज उतर के डाल नहीं सकते, ऑलरेडी मैं बहुत सारे डाल दिया। एंड टुडे वी आर गोइंग ऑन अ फोटो शूट। और थोड़े भी कपड़े लिया मैं स्टाइल रूम से, तो सोचा नए कपड़े पहन के फोटो शूट करके फोटोज पोस्ट करेंगे। जिम को जा रहा है ना, थोड़ा शोल्डर चेस्ट वेस्ट जरा फिट हो गया, देख सकते हैं आप लोगों का हाल। फाइनली वी रीच टू द डेस्टिनेशन। ये हैदराबाद से करीमनगर जाने वाली ORR है। इधर क्वारी है जहाँ पे व्हाइट कलर के सीमेंट के ब्रिक्स बनाते हैं, और इधर पूरा जंगल है। यहाँ पे आप लोग ये रोड देख सकते हैं सीधा, ये जो लाइट्स ऐसा ठहरे हुए हैं ना, मेरे विजन में एक फ्रेम है ऐसा, पीछे पूरे लाइट्स ब्लर होके सामने मैं ठहर के हूँ। आई होप आई कैन कैप्चर माय विजन। और चलो लेट्स क्लिक पिक्चर्स। ऑल्सो मेरे को कार के साथ भी क्रेजी पिक्चर्स लेना था, बट सैड कार के साथ मेरे पिक्चर्स लेने के लिए एक अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर करना पड़ता। तो ये है ग्रीन कलर वाली स्निच की टी शर्ट, जो कि शायद हाफ हैंड्स की है, घर पे पहनने या जिम को जाते खत पहनने काम को आती है। व्हाइट एंड ब्लू स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट है, थ्रोबैक अपेरल कंपनी की है। ये भी सेम ट्राइब्स वाली टी शर्ट है, जो कि क्रीम एंड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन वाली है। ये जो मैं फर्स्ट टी शर्ट दिखाया स्निच वाली, एकदम वैसी ही है। ये वाली भी स्निच की टी शर्ट है, सेम ग्रे कलर की है। स्टाइल रूम जो कि वारंगल में आउटलेट है इनका, S2 सिनेमास के पास में। अगर वारंगल वालों, इफ यू डोंट नो द स्टोर, यू आर मिसिंग समथिंग, मैं यहाँ पे स्टाइल रूम की इंस्टाग्राम ID और उनका नंबर छोड़ देता हूँ। इंडिया वाइड डिलीवरी है इनकी, साथ में अगर आप लोग स्टोर पे जाके भी खरीद सकते हैं। दे गॉट सम अमेजिंग कलेक्शन। परसों हम लोग आज छोटी फोटो शूट करे, उसके बाद में फोटो शूट वापस से कंटिन्यूस। करीब करीब 4 दिनों के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। हाँ, हम लोग फिर वही सेम लोकेशन को आए। यहाँ पे अक्षय है, अक्षय से हाय। अक्षय बहुत अच्छे फोटोग्राफर है। सिद्धार्थ दुर्गम हाय, और समीर भी है। अक्षय इंस्टाग्राम पेज एंटी शिवराम। बिग शाउट आउट टू शिवराम स्टूडियो, अक्षय का इंस्टाग्राम हैंडल है। हमारी जो धूप है और एक आधे घंटे या 40 मिनट में चले जाती, तो इन चले गई तो वो गोल्डन सनलाइट मिस हो जाती है और फोटोस अच्छे नहीं आते। तो जल्दी जल्दी से आगे मैं फोटोस उतर लेता हूँ, उतरने के बाद में फोटोस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? तो लेट्स गो। परसों जिस दिन मैं अक्षय के साथ में फोटोशूट करा, फोटोशूट होने के बाद मैं जिम को गया। जिम के नीचे थोड़ा आगे राइट साइड पे एक झाड़ रहता, मैं यूजुअली कार वहीं पे पार्क करता हूँ। उसके बाद मैं गया, जिम कर लिया, आया, प्रोटीन शेक कर रहा था। कार निकालने के लिए मैं ऐसा राइट साइड पे देखते ही ये हादसा हुआ। कैसे इंसान होंगे बोलो बड़े भाई, मैं जिम को आया, यहाँ पे कार रखा, पार्क करके गया, झाड़ के तरफ ये आईना था राइट साइड, ठीक है, मार दिया आईना। जब मैं शोरूम के जीलानी भाई बोल के रहते, उनको फोन मिला, उन्होंने बोले हाँ नबील भाई, वो ऐसा हाथ से ऐसा क्लिप करके घट निकाल दिए तो आ जाता। तो ये विंग मिरर की मार्केट चलती कहते, एक विंग मिरर करीब करीब $15 से $18 के आसपास में बिकता, या $5-6 में बिकता, थोड़ा ज्यादा पैसे आते। तो ना ये चोरा क्या करते, पूरे कारों के विंग मिरर्स मार दे के नहीं मालूम है जैसा लेके जाके बेच लेते। अगर आप लोगों के साथ भी हुआ ये काम या ऐसा कुछ हादसा हुआ तो कमेंट्स में बताओ मेरे को, मैं पढ़ता हूँ। वी हैव समीर विद अस। अस्सलाम वालेकुम जीलानी भाई। आदर जीलानी भाई, कैसा बात करते, जरा बात करो। हेलो। हाँ भैया आए। अच्छा मैं यहाँ छू, आओ अंदर आओ। जीलानी भाई जो है एंटरटेनमेंट से भरे हुए, मतलब उनके अंदर एंटरटेनमेंट है बट उनको नहीं मालूम, वो हमारे को मालूम। उनके बात करने के तरीके से लेके उन्होंने फोन उठा के हेलो बोलने के तरीके तक उन्हों एंटरटेनमेंट ही से। हेलो भैया। हाँ बोलो। कहाँ है? वर्कशॉप में। आ जा। ये हमारे जीलानी भाई साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। इसका ग्लास नहीं था ना, कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं तो हाथ से घट खींचे होंगे, उसके लिए निकल कर गए। हाँ चोरा का काम, नहीं तो जो भी आपको मालूम सुना रहे थे ना, नहीं बन वो ये निकाल के नहीं सकते। ओके हो गया। हो गया, हो गया। परफेक्ट। ओके राइट, हंसो जरा, अच्छी मुस्कुराहट आन दो। ओके
यहाँ से अपन DTDC जाएंगे। There's a girl called Sugar Ings on Instagram. She sent me something. वो शायद 20 दिन हो रहे भेज के, बट उस पे मेरा फोन नंबर नहीं डाले उन्होंने। मेरे घर पे वो पैकेज आया ही नहीं, अगर आया तो ले लेंगे, लेके यही व्लॉग में अपन अनबॉक्स करेंगे उसको। अंकल एक शिपमेंट आया मेरा 0-4-4-1-8 हेड ऑफिस के लंडे वेंकटम्म थिएटर उंदा हां उंदी। इधर फिर के उधर फिर के आखिरकार जाके हमारे को जब हेड ऑफिस DTDC की मिली, क्या हाल है मालूम? देखो आप लोग, क्लोज है, लंच को गए थे लोग। ऐसे बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती रहती है। सेनोरिटा नहीं है फिलहाल, समीर है। करेंगे इंतजार में अगर इंतकाल हुआ तो देखा गया। करीब हम लोग यहाँ पे आके 20-25 मिनट तो हो गए। चिच्चा अभी नहीं आए, लंच पे गए थे ऑलरेडी, एक 40 मिनट पहले से गए लंच पे। आ गए भाई, बुलाया मेरे को, हाथ दिखा दिया, आ गए, चल जाके ला लेंगे। ट्रैकिंग आईडी दिया तो वो RTO में है, बल्कि बोले RTO मतलब क्या है कि अपने को नहीं मालूम। इसमें ग्लास का कुछ गिफ्ट था तो वो ट्रांसपोर्ट में डैमेज हो गया था, तो उसको लॉ क्या करे, डैमेज होके है वो कस्टमर कैसा भी नहीं लेता, बल्कि रिटर्न भेज दिए, बल्कि बोल रहे। 2 घंटे से हम लोग इधर उधर फिर के करके यहाँ पे आके ठहर के जाके लेंगे, बल्कि ठहरे तक पूरा खलास। अपने को कुरियर कुछ भी मिला ही नहीं, तो ये वीडियो में भी मैं वो गिफ्ट ले लेकर नेक्स्ट ब्लॉग में खोलता हूँ, बल्कि सस्पेंस देंगे समझा। अगर एज आई नेवर फेल टू मेक माई पीपल हैप्पी, मैं परसों गिव अवे के विनर्स अनाउंस करा मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, मतलब जो भी लोग वो स्टोरी नहीं देखे, लोगों को तो विनर्स नहीं मालूम, तो मैं यहाँ पे भी अनाउंस कर देता हूँ। तो ये शिप करने से पहले मैं क्या सोचा, सारे के सारे ग्रीटिंग्स मैं लिख दिया, उसको वो बॉक्स के साथ रैप करके लेके जाके शिप कर देना है। 15-20 मिनट से तो मैं और समीर कोसी कंपनी से भेजेंगे पार्सल, वो डिसाइड करने में लगे हुए, अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। DTDC से भेजेंगे या ब्लू डार्ट से भेजेंगे या प्रोफेशनल कुरियर से भेजेंगे, कौन सी कंपनी से खेलेंगे कौन सी कंपनी से भेजेंगे, बोल समीर।